स्वागत है आपका आज की वीडियो। अच्छे खासे घर में बैठे हुए थे, शाम का वक्त है और अचानक मेरे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरे पड़ोस में भी रहते हैं और मेरे सामने मेरे साथ चलकर गाड़ी ली है, उनकी गाड़ी अचानक बंद और उनका फ़ोन आया कि मैं क्या करूं, गाड़ी मेरी बिल्कुल बंद हो गई, नो डिस्प्ले, नो चार्जिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा और चलते चलते रास्ते में अचानक से बंद हो गई। अब ये सिचुएशन जो है ना, अचानक से पैनिक हो गई। पैनिक यूँ हुई कि बंदा काम से आ रहा है, बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो गई और कारण समझ में नहीं आ रहा। मेरे को फ़ोन किया, मैंने कहा आप गाड़ी ले आओ घर, अपने घर ले आओ, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है अंकल, आप भी आ जाओ। और मैंने RSA को भी कॉल कर दिया, यानी रोड साइड असिस्टेंस भी कॉल कर दिया, ताकि वो गाड़ी घर पे आके ठीक कर दे। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तब, गाड़ी उनकी ज़्यादा चली नहीं है, 3000 किलोमीटर के आसपास चली है। अब आपने उनका पिछला वीडियो देखा होगा जहाँ वो बड़े संतुष्ट नज़र आए, उन्होंने बताया भी था कि गाड़ी एक नंबर है, बता सकती है। अब ये टेंशन कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण रहे, चलिए देखते हैं, पता करते हैं कि ऐसा क्या हुआ। अंकल मेरी गाड़ी चलते हुए तो गाड़ी चलते हुए क्या हो गया? बस इस ऑन नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा अंकल, कुछ भी नहीं आ रहा। ये तो हल्की सी स्क्रीन आ रही है, बस लाइट आ रही है और कुछ नहीं आ रही, ऑन नहीं हो रही है। ये ऑन होता तो वो भी ऑन नहीं, यहाँ लाइट भी कहाँ आ रही है? नहीं आ रही है, अब आदित्य भी बंद हो गई है, कुछ भी नहीं काम कर रहा। इनको बुलवाया? मैंने कॉल किया था हाँ, पर कॉल में बोला कि आ रहे हैं थोड़ी देर में, आते हैं वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, फिर उससे पहले मैंने आपको कॉल करा। ओके, अब आप तो आके गए, देखो मेरे को अभी पता नहीं पड़ता। कितनी दूर पैदल चलाइए? मैं पैदल कम से कम चलाया 0.5 किलोमीटर। हुआ क्या था? ऑटोमेटिक बंद होकर रास्ते में चलते रहते, गाड़ी चलाया इस टर्न पे मोड़ रहा था मैं और टर्न पे मोड़ते मोड़ते अचानक से बंद हो गया, धक्के दे दे के ले गए। अच्छा, उसको खोल के देखा था? मैं खोल के नहीं देखा था, खोल के देखा था, इसमें डिग्गी में लाइट नहीं थी, तो डिग्गी में लाइट नहीं थी, डिग्गी में भी लाइट नहीं, डिग्गी में लाइट नहीं थी। ठीक है, कोई गाड़ी का, दूसरी गाड़ी का, दूसरी गाड़ी का, तो हटाओ इसको। खोला था क्या इसको? नहीं खोला नहीं सर। तो खोल के नहीं देखा था, डर लगता खोल के देखने में तो। ऐसा बंद हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा। MCB ट्रिप बुक तो नहीं हुई? नहीं, MCB ट्रिप हुई पड़ी है? नहीं है। देखते हैं, ये खोल के देखे थे कनेक्टर? कनेक्टर चेक किए थे इसके? नहीं, कुछ भी नहीं किया था मैंने, कुछ। ऐसी सिचुएशन सबके साथ आ सकती है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बारिश का सीज़न है और आप गाड़ी तेज भी चलाते हैं थोड़ा, थोड़ा बहुत कभी कभी उछलती भी, उछलती उछलती है, उछलती उछलती उछलती। इस चीज़ में ध्यान दो कहाँ क्या हुआ, ये इतना गंदा क्यों कर रखा है यहाँ, कुछ सर्विस वॉच की व्यवस्था है? सर्विस पर करानी पड़ेगी। कितनी किलोमीटर चल चुकी है लगभग? ये 3300 के आसपास चल चुकी है। सारे कनेक्टर चेक कर लेते हैं। ये 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 ढीला क्यों पड़ा हुआ, ऐसे क्यों रख रखा है ये? मुझे पता नहीं, तो उसको तो खोला ही नहीं हमने, खोला नहीं था। ये तो बैटरी से कनेक्ट होता है ना, बैटरी कभी निकाली थी क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं निकाली, कभी भी नहीं निकाली बैटरी। ये अलग पड़ा तो फिर कहाँ से? मुझे पता नहीं, मैं चलाते चलाते ऑटोमेटिक बंद हो गई थी ये। तो चार्जिंग पे भी नहीं आ रही होगी फिर? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, चार्जिंग पे भी कुछ भी नहीं आ रहा। कहाँ से आएगी? ये कनेक्टर लगा देते हैं। आई क्या लाइट? नहीं आई, क्या हो गया? ये MCB ऑन करी, आ गई ना लाइट? अब चल गई, अब चल गई, चल गई, चल गई, चल गई। ये वायर भी देखो ऐसे हो रही है, वायर तो ऐसे होता है।
कितनी चार्ज है? आ गए? हाँ आप चला, आप चला, आप चला, चला। आ गए? अब चलिए 61.1 वोल्ट आ रही है, उसमें बीच में डिस हो गई है, तो चलते चलते बिल्कुल बंद, कुछ भी नहीं चल रहा है। बाद में देखो हो सकता है कभी कभार हो जाए कि ऑन ऑफ करी, ऑन ऑफ करी भी वापस कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। नील अचानक ऐसे कैसे हो गया ये? हो सकता है स्पीड ब्रेकर से कुछ हो गया हो। तेज चला रहे तो तेज तो नहीं थी, खड्डे में भी नहीं थी, नॉर्मल स्पीड थी। तो आज तो तेज भी नहीं चलाई थी। किसी ने छेड़ा? किसी ने भी छेड़ा, कोई नहीं चलता स्कूटी की, तो बैटरी को कौन छेड़ेगा, डर लगता है। अभी नई गाड़ी नुकसान हो जाए तो एक काम करो, इसको चला के देखो, एक राउंड लेके आओ उसका। लाइट तो आ गई है, डिस्प्ले भी आ गया है, इससे ये मतलब लगता है कि ना ये गाड़ी डेफिनेटली डिस्चार्ज नहीं हुई है, कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये जो गाड़ी है ना, बंद इसलिए हुई है कि इसका कनेक्टर प्रॉपरली फिट नहीं था, डिसकनेक्ट हो गया अचानक खड्डों में, गाड़ी चल रही है। तो ये वाले जो इस गाड़ी में कनेक्टर आए हैं, सिलेंड्रिकल कनेक्टर्स जो आए हैं, वो चलते चलते मोस्टली कई बार ऐसा होता है लूज़ हो जाते हैं, चाहे दूसरे कनेक्टर भी हो। क्यों? क्योंकि इसकी बैटरी जो है ना, आप जब भी चाहें निकाल कर ऊपर फ्लैट में ले जाकर अपना चार्ज कर सकते हैं। डिटैचेबल बैटरीज के साथ आती है गाड़ी। अगर कभी ऐसी कोई कंडीशन आ रही हो, आप नीचे भी लाए और कनेक्ट नहीं हुई, तो उसके कनेक्टर्स को चेक कर लीजिए पहले। एक काम करो, आप इसको चला के आओ कभी। हाँ, एक राउंड छोटा सा लेके आओ, ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है, आधा किलोमीटर का एक राउंड लेके आओ और बताओ कि परफॉर्मेंस तो कम नहीं हो रही और बैटरी कितनी डाउन हो रही है। देखिए, ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। आपको अभी चलाने में कैसी लगी? बिल्कुल नॉर्मल लगता हूँ, वापस नॉर्मल है। जान में जान आई? आप जान में जान, आप सुकून मिला, अब लगा यार दिक्कत नहीं है कुछ। ये गाड़ी समस्या नहीं है, बस इसको सीखना आना चाहिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी में समस्या आती है, इसमें क्या हर गाड़ी में आती है। कनेक्टर्स इसके बारिश के कारण कार्बनाइज हो सकते हैं, उनको सबसे पहले साफ करिए। हालांकि मैंने साफ नहीं करा, आप इसको सर्विस करवाएं, जब आप पूरा डिकार्बनाइजेशन का प्रोसेस करवाइएगा हर कनेक्टर को क्लीन करवा के। हल्का सा एक स्प्रे आता है, ग्रीस स्प्रे, वो अगर आप यूज़ करेंगे ना, स्प्रे करने में ग्रीस जो आता है, हल्का सा लुब्रिकेट करके उसको और कनेक्टर को वापस कनेक्ट करके उनके लॉक्स को चेक प्रॉपरली। अगर वो लॉक चेक करने के बाद देख रहे हैं कि आप ढीला नहीं है, देन ओके। अदरवाइज क्या होगा, ये गाड़ी अचानक चलते चलते बंद हो जाए, डिस्प्ले बंद हो जाए, हॉर्न बंद हो जाए, ये सारे जितने भी स्विचेस हैं ये सब खुलवा के क्लीन करवाइए। बारिश का टाइम है, डेफिनेटली कई गाड़ियों में ये समस्या आएगी, क्योंकि ये वेट वेदर होता है। पैनिक ना हो, गाड़ी बंद हो सकती है चलते चलते, ये ही नहीं, अगर दूसरी कोई गाड़ी है। कितना चल गई है? ये लगभग चल गई है 3,386। तो अब इसका मतलब ये है कि अब आपकी गाड़ी की सर्विस का समय आ चुका है और आपको भी समय सर्विस करवा लेनी चाहिए, समय निकाल के इसको सर्विस कराना भी ज़रूरी है। टाइम टू टाइम अगर आप इस गाड़ी की सर्विस करवाते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। अचानक चलते चलते गाड़ी बंद हो गई, मैंने नॉर्मली गाड़ी को चेक किया, कनेक्टर सारे चेक किए, कनेक्टर जैसे ही देखा एक लूज पड़ा हुआ था कनेक्टर अंदर की तरफ, सेट किया, हो गया।
तो यू आर लकी, अब आप आर एस ए वालों को मना कर दो, बेचारे वो इतनी दूर से आएंगे, कॉल करके मना करना पड़ेगा, गाड़ी ओके, गाड़ी ओके है, ये कोई कनेक्टर लूज था, मैं कल सर्विस पे लेके आ रहा हूँ, जिससे वो भी परेशान हो, थैंक यू, वो दूसरी जगह सर्विस दे सके। आपका थैंक यू, आपने गाड़ी मतलब जान पे जान दे दिया आपने, वास्तव में मतलब एक बार तो डर लग गया था कि गाड़ी कुछ हो तो नहीं गया, नई की नई गाड़ी में कुछ खराब तो नहीं। नेगेटिव बोलने वालों को जगह चाहिए होती है। मुझे लोग बोल रहे थे कि क्यों ली बैटरी वाली गाड़ी अभी, अरे मैंने वो देख एक जना देख देखते देखते आ रहा था कि ढक्के निकले जा रहा नई गाड़ी को भी, वो बोल रहा था नई गाड़ी क्यों ली बैटरी वाली, पेट्रोल ही ले लेता। मैंने कहा सब सही होगा, देखेंगे सर्विस सेंटर पर जाके, तब तक तो आपने बता दिया। पैसा कितना बचा लिया? पैसा बहुत बचा लिया। पैसा बचा लिया ना, पैसा वसूल हो जाएगा ना साल भर में? वसूल हो जाएगा, वसूल हो जाएगा साल भर में, वसूल हो जाएगा साल तो इस बात को, साल में वसूल हो जाएगा, साल दो साल तीन साल में तो हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स दो साल। टेंशन मत लो, एम्पियर मैग्नस भरोसेमंद साथी है, तो आप इस पर विश्वास करोगे तो आपको ये उतना ही साथ देगी, और इसको सीखना भी ज़रूरी है, ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी थी। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे, बहुत से लोग बता रहे थे, कोई कह रहा है इसके शॉकर्स कमज़ोर हैं, भाई मेरे अगर शॉकर कमज़ोर हैं तो ये देखो ना आप, डबल साइडेड शॉकर्स हैं और 150 किलो वजन रिकमेंडेड है, अगर आप उससे ज़्यादा बिठाओगे तो दिक्कत आएगी, खड्डों में ले जाओगे तो दिक्कत आएगी, ज़्यादा खड्डे खड्डे वो नहीं पॉट होल्स बारिश में हो जाते हैं, आपने भी एहसास किए होंगे। और भाई सीधी सी बात है, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ये अपडेट भी किए जा सकते हैं, इनको अपडेट कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी को इन्फॉर्म करो मेरे को अच्छे शॉकर डलवाने हैं, मेरे को इसी में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर डलवाना है, मेरे को ऐसी व्यवस्था करके दो, वो हो सकता है कर भी दे, नहीं तो उसका अलग रास्ता है, 12 इंच के अपडेटेड टायर हब मोटर पे लगने वाले आते हैं, ये हालांकि 10 इंच का रिम है, इसमें 12 इंच नहीं लग सकता है क्योंकि 12 इंच, पर इसमें एक ऑप्शन है कि मैं सर्च कर रहा हूँ कि अगर इसमें 12 इंच का अगर टायर लग सकता है तो मैं वो भी सर्च करके देखूँगा, पता करके, और आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन दूँगा, जिससे इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो जाएगा और आपको चलने में भी स्मूथ लगेगी। और जिनको शॉकर अपडेट कराने, शॉकर वाली दुकान पे जाइए, वहाँ उनको बताइए इसी साइज़ के, इससे बढ़िया और मजबूत शॉक एब्जॉर्बर्स चाहिए, मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। कंपनी ने हालांकि अपडेटेड जो वर्जन दिया ना, बहुत अच्छा दिया है, ज़रूरत महसूस नहीं होगी आपको अगले 3 साल एक रुपया भी खर्च करने का। बाकी लोग तो वही कहावत है, कहानियाँ हैं कि अगर आप पैदल चल रहे हो और आपके साथ कोई गधा भी चल रहा था ना उसके साथ, तो क्या, अरे गधे के साथ चल रहा है तो बैठ जाओ उस पर, वो उसमें बैठ गया तो देखो बेचारे निरीह जानवर के ऊपर बैठ के जा रहा, तो 17 तरह की बातें होती हैं, कहानियाँ सब भी जानते हैं, सबके साथ गाड़ी वो जो आपको सूट करे। तो नेगेटिव विचारधारा को निकाल दीजिए, पॉजिटिव बनिए और पॉजिटिव ही करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसमें अगर आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।